In the next question, the number of stereoisomers of 1,2-dihydroxycyclopentane. ठीक है, 1,2-dihydroxycyclopentane. ठीक है, इसमें जो है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताने हैं हमें. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम स्टीरियो आइसोमर जो है वो बताना है. अब हम पहले कंपाउंड बनाते हैं. ये देखो साइक्लोपेंटा डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटीन नाम है. ठीक है, पेंटेन साइक्लोपेंटेन डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन. तो ये डाइहाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन. तो यहाँ पे देखो अब स्टीरियो आइसोमर बताने हैं आपको. तो देखो क्या होगा स्टीरियो आइसोमर बताने के लिए. अब ये मॉलिक्यूल जो है कैसा है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है. देखो दो पार्ट में इजिली क्या हो रहा है, डिवाइड. तो कैसा हो गया, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. ठीक है, अब सिमेट्रिकल है यानी कि यहाँ पे ये जो जुड़े इस कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है काइरल कार्बन हो जाएगा. ठीक है, काइरल कार्बन है ये. अब यहाँ पर जो है टू काइरल कार्बन है. कितने है, टू काइरल कार्बन है. तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हमें कैलकुलेट करने हैं. तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इवन नंबर में कार्बन है, काइरल कार्बन है. तो वो स्टीरियो आइसोमर कैसे कैलकुलेट करोगे, 2n-1 + 2n की n/2-1. ठीक है, 2n/2-1 ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है. तो 2 की पावर n की वैल्यू ये है. ठीक है, 2-1 फिर प्लस 2 यहाँ पर भी 2 डिवाइडेड बाय 2 -1. तो आपके पास आ जाएगा कितना, 2 + 2 की पावर 0 यानी कि उसको हम 1 एक बार मान लेंगे. ठीक है, 1 मानोगे उसे. ठीक है, तो यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, ये जो आएगा ये आ जाएगा आपके पास 3. ठीक है, क्योंकि ये तो 2 की पावर 1 तो यहाँ बचेगा, 2 की पावर 0 यहाँ बचा. तो इसको 1 कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3. ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आंसर नंबर जो आएगा वो आएगा 3. यानी कि 3 स्टीरियो आइसोमर जो है इसके लिए पॉसिबल होंगे.